हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम इंडिया वार। नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। तो साथियों, अभी हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 आया है। तो साथियों, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आपके लिए, काम की खबर है। अगर आप कंपटीशन की या नौकरी की तैयारी कर रहे हैं सरकारी एग्ज़ाम की, तो आपके लिए और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परंतु आप एक नागरिक हैं, तब भी आपको ये बातें जाननी बहुत ही ज़रूरी हैं। तो साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण हर साल आता है, हर वर्ष आता है। तो क्या है पूरी न्यूज़, मैं आपको बताता हूँ। तो भाई साहब, जैसा कि अपने को पता है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा स्वच्छ शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। यानी जो शहर स्वच्छता की ओर, साफ सफाई को लेकर काफ़ी जागरूक हैं और भाई साहब सफाई अफाई करके रखते हैं ना दोस्तों, तो उनको प्रतिवर्ष क्या मिलता है, पुरस्कार मिलता है। तो केंद्र सरकार द्वारा इंदौर को लगातार 5वीं बार, यानी 5 वर्षों से लगातार इंदौर सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया जा रहा है। वहीं पर सूरत को दूसरा स्थान मिला है, यानी गुजरात के सूरत को दूसरा, जबकि मध्य प्रदेश के इंदौर को सबसे स्वच्छ का। वहीं पर एमपी का इंदौर पहले स्थान पर रहा। तो भाई साहब, राष्ट्रपति कोविंद जी ने गुजरात के सूरत और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा को देश के दूसरे और तीसरे सबसे स्वच्छ शहर बनने का सम्मान दिया। यानी पहला सबसे स्वच्छ कौन सा है, आपका इंदौर है, दूसरा फिर सूरत और तीसरा विजयवाड़ा। वहीं केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ गंगा शहर की श्रेणी में यूपी के वाराणसी को पहला स्थान। गंगा शहर यानी जो गंगा के किनारे किनारे बसे हुए शहर हैं, तो उनमें सबसे गंगा सबसे स्वच्छ शहर गंगा के किनारे का, तो आपका वाराणसी हो जाता है। वहीं पर आपको बता दें साथियों कि दिल्ली में आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, देशवासियों की सोच में बदलाव स्वच्छ भारत अभियान की बहुत बड़ी सफलता है। यानी साथियों, स्वच्छता बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग देख रहे हैं ना, नई नई तरह की भाई साहब ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही हैं जिनका इलाज 3-3, 4-4 सालों में मिलता है और कुछ का तो मिल ही नहीं पाता। आज यह बदलाव व्यापक स्तर पर हुआ है। अब तो बहुत से परिवारों में छोटे बच्चे भी परिवार के बड़े लोगों को गंदगी फैलाने से रोकते हैं। जी हाँ, वैसे कि आप लोग देखते होंगे कि बच्चे कम गंदगी करते हैं, जो बड़े होते हैं वो लोग कुछ ज़्यादा ही फैलाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे बच्चे उन्हें कोई भी चीज़ सड़क पर फेंकने से टोकते हैं। यानी साथियों, हमको कोई भी चीज़ें सड़कों पर नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक का सब कुछ होता है, जो कि गलता नहीं है, जिससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। ऐसे बदलाव के लिए मैं देशवासियों को बधाई देता हूँ। ये सब किसने कहा, तो हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा है। वहीं पर स्वच्छता अभियान की सफलता के लिए मैं सफाई मित्रों, यानी जो भाई साहब सफाई कर्मी होते हैं, और सफाई कर्मियों की विशेष रूप से सराहना करता हूं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ को भारत का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया। यानी सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़। सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो आपका इंदौर हो जाता है। और गंगा के किनारे सबसे स्वच्छ, तो भाई साहब वाराणसी हो जाता है। वहीं पर आप देख सकते हैं, मैंने जो आपको बताया, इंदौर को लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर की घोषित किया गया है। वहीं पर आपको साथियों बता दें कि राष्ट्रपति कोविंद द्वारा 342 शहरों को सम्मानित किया गया इस काम में, जिन्हें स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गार्बेज फ्री सिटी और सफाई मित्र चैलेंज की श्रेणी में पुरस्कार दिया गया। गार्बेज फ्री का मतलब भाई साहब वहां पर कूड़ा करकट है ही नहीं, बिल्कुल क्लीन टी। वहीं पर मंत्रालय ने कहा कि शहरों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम स्वच्छ अमृत महोत्सव का आयोजन केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जिसे भाई साहब हम महुआ मंत्रालय कहते हैं। तो भाई साहब उसी के द्वारा ये स्वच्छता सर्वेक्षण आयोजित किया जाता है और यह राष्ट्रीय राजधानी के विज्ञान भवन में हो रहा है। तो वहीं पर आप साथियों देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी जानकारी थी। आशा करते हैं आपको ये सब अच्छा लगा होगा। भाई साहब काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानकारी, क्योंकि यहीं पर कुछ रेटिंग वेटिंग के बारे में बता दें आपको कि इनमें से 9 5-star शहर, 166 3-star और 167 1-star शहर थे। तो ये सब इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा हमको ये सब जानना चाहिए कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, राज्य कौन सा है। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें। भाई साहब अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। और भाई साहब जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।